हेलो स्टूडेंट्स, आई एम रुचिका फ्रॉम इंग्लिश एकेडमी। आज के सेशन में हम क्लास 12 की इंग्लिश की फ्लेमिंगो बुक का चैप्टर 5 कवर करेंगे। नेम ऑफ द चैप्टर इज इंडिगो। सो हियर वील डिस्कस पार्ट 2 ऑफ दिस चैप्टर वेयर वील डिस्कस पेजेस 49 टू 51। राइटर ऑफ दिस चैप्टर इज लुई फिशर। अब तक की इस कहानी में हमने क्या पढ़ा? महात्मा गांधी लुई फिशर को कहते हैं कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि मेरी जो फ्रीडम स्ट्रगल है, जहां पर मैं ब्रिटिशर्स को कहने लगा कि भारत छोड़ के जाओ, वो शुरू हुई थी 1917 में। और वो कैसे शुरू हुई, उसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या था, उसके बारे में मैं तुम्हें बताऊंगा। ये उन्होंने उन्हें तब बताया जब लुई फिशर 1942 में गांधी जी को मिलने उनके आश्रम गए थे सेवाग्राम। Now over there Gandhiji tells him that I had gone to the Indian National Congress annual convention which was held in 1916 December at Lucknow. Over there a peasant Rajkumar Shukla met him and requested him to accompany him to Champaran. So for many days Gandhiji tried to avoid him, but Rajkumar Shukla was determined to take Gandhiji along with him, and finally Gandhiji went with him to Champaran. Now both of them went from Calcutta to Patna. At Patna, Rajkumar Shukla took Gandhiji to the house of Rajendra Prasad, who was a prominent lawyer and who went ahead to become the chief of the Congress of India and also the President of India. From Patna, they boarded a train for Muzaffarpur, which was on the way to Champaran. So Gandhiji ko kuch aur information chahiye thi Champaran ke sharecroppers ke bare mein, isliye wo Muzaffarpur gaye. वहां पर वो एक गवर्नमेंट स्कूल टीचर के घर पर रहे 2 दिन के लिए, और वो कहते हैं कि बहुत बड़ी बात थी उन दिनों में, क्योंकि गांधी जी होम रूल के एडवोकेट थे। वो ये चाहते थे कि इंडिया में भी इंडियंस की सरकार हो, इसीलिए जो छोटे शहरों के लोग थे वो ब्रिटिशर्स से डरते थे और एडवोकेट्स ऑफ होम रूल को शेल्टर नहीं देते थे। तो ये बहुत बड़ी बात थी कि प्रोफेसर मलकानी ने गांधी जी को अपने घर पर रखा। गांधी जी ने वहां से काफी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की अबाउट व्हाट इज हैपनिंग इन चंपारण, और मुजफ्फरपुर में ही उन्हें बहुत सारे लॉयर्स भी मिले जो कि इन पीजेंट्स का केस लड़ा करते थे और इनसे बहुत बड़ी फीस लेते थे। गांधी जी ने उन्हें डांटा कि तुम बेचारे गरीब पीजेंट से इतने फीस लेते हो, और साथ ही साथ गांधी जी ने कहा कि अब से पीजेंट्स कोर्ट नहीं जाएंगे क्योंकि कोर्ट से उन्हें कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। जब तक वो फियर स्ट्रिकन है और वो अप्रेस्ड हैं, तब तक उनकी प्रॉब्लम्स खत्म नहीं होंगी। तो गांधी जी ने कहा कि उनकी प्रॉब्लम का पहला इलाज है फ्रीडम फ्रॉम फियर। अब हम आगे अपनी स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। मोस्ट ऑफ द एरेबल लैंड इन द चंपारण डिस्ट्रिक्ट वॉज डिवाइडेड इंटू लार्ज एस्टेट्स ओन्ड बाय इंग्लिश मैन एंड वर्क्ड बाय इंडियन टेनेंट्स। एरेबल मीन्स फर्टाइल लैंड, जिस पर कल्टिवेशन हो सकती है। तो चंपारण में जितना भी फर्टाइल लैंड था उसे कौन ओन करता था? इंग्लिशमैन। और वहां पर इंडियन टेनेंट्स काम किया करते थे एज शेयर क्रॉपर्स, मींस वो जो भी उगाते थे उसका पार्ट वो रेंट में इन इंग्लिशमैन को दे देते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वॉज इंडिगो। इंडिगो मैं आपको पहले बता चुकी हूं, ये एक प्लांट है जिसमें से इंडिगो कलर, जो डार्क ब्लू कलर होता है, उस कलर की डाई बनाई जाती है। ये एक नेचुरल डाई है जो इस प्लांट से बनाई जाती है। द लैंडलॉर्ड्स कंपेल्ड ऑल द टेनेंट्स टू प्लांट 3/20 और 15% ऑफ देयर होल्डिंग्स विद इंडिगो एंड सरेंडर द एंटायर इंडिगो हार्वेस्ट एज रेंट। तो क्या इनका कॉन्ट्रैक्ट था आपस में कि जितने भी शेयर क्रॉपर्स थे उन्हें अपने लैंड के ऊपर 3/20 यानी कि 3/20 जो पोर्शन है लैंड का, या तो इतना या फिर जिसे हम 15% भी कह सकते हैं, इतना होल्डिंग यानी कि लैंड का जो एरिया है उसे इंडिगो से कल्टीवेट करना होता था। और इंटायर जो इंडिगो प्रोड्यूस होती थी उनके लैंड पे, जितने भी पौधे उगते थे वो उन्हें रेंट के तौर पर इन लैंड ओनर्स को वापस देने होते थे। This was done by a long-term contract. तो इस तरह का एक long-term contract था जो बहुत देर तक चलता आ रहा था between these landlords and these sharecroppers. Presently, the landlords learned that Germany had developed a synthetic indigo. अब इन landlords को ये पता चला कि Germany में एक synthetic indigo develop हुई है। Synthetic means chemical based. ये जो इंडिगो थी ये तो नेचुरल थी, प्लांट से बनाई जाती थी। अब उन्हें पता लगा कि जर्मनी में साइंटिस्ट ने एक सिंथेटिक यानी कि केमिकल से बनी हुई डाई बनाई है जो सेम इंडिगो कलर देती है।
thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% अरेंजमेंट। अब इन लैंडलॉर्ड्स को जो नेचुरल इंडिगो प्लांट की कल्टीवेशन थी वो नहीं चाहिए थी, तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपने टेनेंट्स को कहा कि तुम्हें जो अपने लैंड पर 15% एरिया में इंडिगो उगाना पड़ता है उस एग्रीमेंट से हम तुम्हें छोड़ते हैं, अब हम इस एग्रीमेंट को कैंसिल करते हैं, लेकिन हम ये एग्रीमेंट कैंसिल कर रहे हैं तुम्हारी वजह से, इसीलिए ये अग्रीमेंट कैंसिल करने के लिए तुम्हें हमें कॉम्पेंसेशन पे करनी पड़ेगी। अब वैसे तो वो एग्रीमेंट इसलिए कैंसिल कर रहे थे क्योंकि उन्हें अब जर्मनी से सिंथेटिक इंडिगो मिल रहा था, इसलिए उन्हें अब इस इंडिगो की जरूरत नहीं थी। ऑन द अदर हैंड वो टेनेंट्स को ये शो कर रहे थे कि वो ये इंडिगो का जो कॉन्ट्रैक्ट है इसे कैंसिल करके उन पर एहसान कर रहे हैं, जिसके लिए उन्हें कॉम्पेंसेशन भी चाहिए। द शेयर क्रॉपिंग अरेंजमेंट वॉज अर्कसम टू द पीजेंट्स एंड मेनी साइंड विलिंगली। अर्कसम मीन्स समथिंग दैट इज इरिटेटिंग। अब ये जो शेयर क्रॉपिंग का अरेंजमेंट था ये सभी पीजेंट्स को बहुत इरिटेट करता था, लेकिन फिर भी काफी पीजेंट्स ने उस पर साइन कर दिया क्योंकि उन्हें लगा कि उनके पास और कोई वे आउट नहीं है। दोज हु रेजिस्टेड एंगेज्ड लॉयर्स लैंडलॉर्ड्स हायर्ड थग्स। अब जिन पेजेंट्स ने रिजिस्ट किया मीन्स उन्होंने कहा कि नहीं हम साइन नहीं करेंगे, उन्हें क्या करना पड़ा, उन्हें लॉयर्स को एंगेज करके कोर्ट जाना पड़ा, और उसके बदले में लैंडलॉर्ड्स ने क्या किया, उन्होंने थग्स को यानी कि गुंडों को हायर कर लिया जो कि इन पेजेंट्स को मारेंगे पीटेंगे धमकाएंगे ताकि वो साइन कर दें। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back. अब जो illiterate peasants थे उन्हें भी with time पता चल गया कि जर्मनी में एक synthetic indigo बन रहा है, जिसकी वजह से इन्होंने 15% वाला जो contract है वो cancel किया है, तो उन्हें ये पता लग गया कि contract cancel करने के पीछे reason क्या है, तो उन्हें लगा कि उन्होंने जो कॉम्पेंसेशन पे की है वो तो गलत है, वो तो पे करने का कोई कारण ही नहीं बनता, इसलिए वो अपने पैसे वापस मांगने लग गए। एट दिस पॉइंट गांधी अराइव्ड इन चंपारण। तो अभी ये चल रहा था मामला शेयर क्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में, जब गांधी जी चंपारण पहुंचे ही बिगैन बाय ट्राइंग टू गेट द फैक्ट्स। फर्स्ट ही विजिटेड द सेक्रेटरी ऑफ द ब्रिटिश लैंडलॉर्ड्स एसोसिएशन। सबसे पहले गांधी जी ब्रिटिश लैंडलॉर्ड एसोसिएशन के सेक्रेटरी को मिलने गए उनसे जानकारी इकट्ठा करने के लिए। द सेक्रेटरी टोल्ड हिम दैट दे कुड गिव नो इन्फॉर्मेशन टू एन आउटसाइडर। गांधी जी आंसर दैट ही वॉज नो आउटसाइडर। सेक्रेटरी ने गांधी जी को कहा कि आप बाहर वाले हो इसलिए हम आपके साथ कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं कर सकते। गांधी जी ने कहा कि वो आउटसाइडर नहीं है। नेक्स्ट गांधी कॉल्ड ऑन द ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर ऑफ द तिरहुट डिविजन इन विच द चंपारण डिस्ट्रिक्ट ले। अब यहाँ पर देखिए ये है वेस्ट चंपारण और ईस्ट चंपारण, हमारा चंपारण डिस्ट्रिक्ट ये पड़ता है तिरहुट डिविजन में। ये जो पूरा ग्रीन कलर का एरिया है ये एक लार्जर एरिया है जो कि एक डिविजन है जिसका नाम है तिरहुट डिविजन। तिरहुट डिविजन में चंपारण डिस्ट्रिक्ट है, तो गांधी जी उस ब्रिटिश ऑफिशियल कमिश्नर को मिलने गए जो कि पूरी डिविजन का इंचार्ज था। द कमिश्नर गांधी रिपोर्ट्स प्रोसीडेड टू बुली मी एंड एडवाइज मी फॉरविथ टू लीव तिरहुट। गांधी जी कहते हैं ये जो ब्रिटिश कमिश्नर था इसने गांधी जी को बुली किया और उन्हें फोर्स किया, उन्हें कहा कि तुम तिरहुट छोड़कर चले जाओ, मीन्स तुम इस इलाके से चले जाओ। बुली मीन्स किसी को रैग करना, किसी के ऊपर गुंडागर्दी करनी, अपना जोर जबरदस्ती करना। गांधी डिड नॉट लीव, इंस्टेड ही प्रोसीडेड टू मोतिहारी द कैपिटल ऑफ चंपारण। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये है चंपारण डिस्ट्रिक्ट और इसका कैपिटल यहाँ पे ये पर्पल एरिया मोतिहारी। गांधी जी चंपारण से नहीं गए, उल्टा वो चंपारण के कैपिटल मोतिहारी गए। Several lawyers accompanied him at the railway station. A vast multitude greeted Gandhi. Multitude means many people. गांधी जी के साथ मोतिहारी में बहुत सारे वकील भी थे और बहुत सारे लोग उन्हें मिले रेलवे स्टेशन पर। He went to a house and using it as headquarters continued his investigations. मोतिहारी में वो एक घर पर गए, वहां पर उन्होंने अपना हेडक्वार्टर बनाया और इन्वेस्टिगेशन शुरू की, जांच पड़ताल शुरू की कि आखिर ये मामला क्या है पीजेंट्स और
शेयरक्रॉपर्स और लैंडलॉर्ड्स के बीच में। अ रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन मैल्ट्रीटेड इन अ नियर बाय विलेज। तभी गांधी जी को ये रिपोर्ट मिली कि पास के ही एक गांव में किसी एक पीजेंट के साथ बदतमीजी की गई है, बुरा बर्ताव किया गया है। गांधी जी डिसाइडेड टू गो एंड सी। द नेक्स्ट मॉर्निंग ही स्टार्टेड आउट ऑन द बैक ऑफ एन एलिफेंट। अगले दिन गांधी जी उस विलेज की तरफ गए जहां पर ये मैल्ट्रीटमेंट हुआ था, वो एक हाथी पर सवार होकर गए। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage. अभी गांधी जी थोड़ी ही दूर गए थे जब पुलिस कमिश्नर का मैसेंजर आया और उसने गांधी जी को कहा कि आप रुक जाइए और वापस चले जाइए, आप इस गांव में नहीं जाएंगे। गांधी complied means गांधी ने उसका ऑर्डर मान लिया। He accepted what the messenger told him. The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately. जब गांधी जी वापस मोतिहारी पहुंच गए तो उस मैसेंजर ने गांधी जी को एक ऑफिशियल नोटिस दिया। वो ऑफिशियल नोटिस क्या था? टू क्विट चंपारण। क्विट मीन्स टू गो अवे। तो उस ऑफिशियल नोटिस में लिखा था कि चंपारण छोड़ के चले जाइए। गांधी साइंड अ रिसीट फॉर द नोटिस एंड रोट ऑन इट दैट ही वुड डिसओबे द ऑर्डर। गांधी जी ने नोटिस की रिसीट पर साइन किया और साथ ही ये लिख दिया कि वो इस ऑर्डर को डिसओबे करेंगे, इसे नहीं मानेंगे। इन कॉन्सिक्वेंस गांधी रिसीव्ड अ समन टू अपियर इन कोर्ट द नेक्स्ट डे। समन क्या होता है? कोर्ट का ऑर्डर। अगले दिन गांधी जी को कोर्ट का ऑर्डर आ गया कि आपको कोर्ट में बुलाया गया है। मीन्स जब आपने पुलिस के ऑर्डर को एक्सेप्ट नहीं किया, उसको फॉलो नहीं किया, तो अब आपको कोर्ट में बुलाया गया है, आपके अगेंस्ट प्रोसीडिंग्स होंगी। ऑल नाइट गांधी रिमेन्ड अवेक। ही टेलीग्राफ्ड राजेंद्र प्रसाद टू कम फ्रॉम बिहार विद इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को टेलीग्राफ किया कि तुम बिहार से आ जाओ और अपने साथ अपने इन्फ्लुएंशियल फ्रेंड्स को ले आओ, जो लोग बहुत अमीर हैं, जिनके बहुत सारे लिंक्स हैं, बहुत सारी जान पहचान है, वो इन्फ्लुएंशियल हैं। ही सेंट इंस्ट्रक्शंस टू द आश्रम। ही वायर्ड अ फुल रिपोर्ट टू द वाइसरॉय। साथ ही साथ गांधी जी ने सेवाग्राम में अपने आश्रम में भी इंस्ट्रक्शंस भेजी कि अगर बाय चांस जब वो कोर्ट जाएंगे, अगर उन्हें पुलिस पकड़ लेती है, अरेस्ट कर लिया जाता है, जेल में डाल दिया जाता है, तो आश्रम में जो उनके लोग हैं वो क्या करेंगे। साथ ही साथ ये सारी रिपोर्ट, ये सारी इंफॉर्मेशन उन्होंने वाइसरॉय ऑफ इंडिया को भी भेजी ताकि उन्हें भी पता चले कि उनके ऑफिशियल्स क्या कर रहे हैं। आगे स्टोरी पढ़ते हैं। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स। They did not know Gandhi's record in South Africa. अगली सुबह मोतिहारी का पूरा शहर पीजेंट से भरा हुआ था। ब्लैक विद पीजेंट्स मीन्स जो पीजेंट्स होते हैं, जो गरीब किसान है, उनकी स्किन का कलर बहुत ज्यादा डार्क होता है, इसीलिए यहां पर लिखा गया है मोतिहारी वॉज ब्लैक विद पीजेंट्स। They did not know Gandhi's record in South Africa. अब गांधी जी के बारे में, उन्होंने साउथ अफ्रीका में क्या किया था, ये सारी इंफॉर्मेशन इन बेचारे गरीब पेजेंट्स को नहीं थी। गांधी जी साउथ अफ्रीका गए थे इन द ईयर 1893 एज अ काउंसिल फॉर अ रिच मर्चेंट। अब वहां पर उन्होंने बहुत सारी डिस्क्रिमिनेशन फेस की ऑन द बेसिस ऑफ कलर ऑफ स्किन। साउथ अफ्रीका में साउथ अफ्रीकन्स के अगेंस्ट जो डार्क कलर्ड लोग थे, जिनकी स्किन डार्क है, जितने भी इंडियंस हैं, उनके अगेंस्ट बहुत डिस्क्रिमिनेशन चल रही थी। गांधी जी ने भी फर्स्ट हैंड वो डिस्क्रिमिनेशन फेस की और फिर उन्होंने बहुत एफर्ट्स किए उस डिस्क्रिमिनेशन को एंड करने के लिए। ये सारी इंफॉर्मेशन इन पीजेंट्स को नहीं थी, इन्हें नहीं पता था कि गांधी जी ने साउथ अफ्रीका में बहुत बड़ा मोर्चा मारा है और इंडियंस को एक बेटर पोजीशन दिलवाई है। ऑल्दो इंडियंस का भी स्किन कलर अलग था, पहले डिस्क्रिमिनेशन थी, गांधी जी ने वो सब खत्म करवाई। दे हैड मियरली हर्ड दैट अ महात्मा हु वांटेड टू हेल्प देम वाज इन ट्रबल विद द अथॉरिटीज। अब ये सब पेजेंट्स इसलिए इकट्ठे हुए थे क्योंकि उन्हें पता लगा कि वहां पर एक महात्मा आया है उनकी मदद करने के लिए और जो अथॉरिटीज हैं, जो ब्रिटिशर्स हैं, उनके साथ इस महात्मा का कुछ पंगा चल रहा है, ही इज इन ट्रबल। तो वो उसकी हेल्प और उसको सपोर्ट देने के लिए वहां पर इकट्ठा हुए थे।
Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. Spontaneous means at the spur of the moment, अचानक से. Demonstration means demonstrate करना. यहाँ पर demonstration क्या है? ये लोग जो इकट्ठा होकर peaceful revolt कर रहे थे, किसी को oppose कर रहे थे. हजारों की तादाद में ये poor peasants वहां पर इकट्ठा हुए थे, अपना support दिखा रहे थे महात्मा गांधी जी को. तो इससे वो Britishers को ये बता रहे थे कि हम तुम्हारे खिलाफ हैं. इसी से जब उनके अंदर ये स्ट्रेंथ आई ऐसा करने के लिए, इसी से उनका जो फियर है वो कम होने लग गया. गांधी जी कहते हैं कि जब ये लोग ऐसे कोर्ट के आसपास इकट्ठा हुए हुए थे ये शो करने के लिए कि वो गांधी जी का सपोर्ट कर रहे हैं और वो ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट है, इसी से उनकी लिबरेशन फ्रॉम फियर ऑफ द ब्रिटिश शुरू हो गई. मीन्स लिबरेशन ऑफ फियर फ्रॉम द ब्रिटिश मीन्स फ्रीडम फ्रॉम फियर. अभी तक ये जो पेजेंट्स हैं ये फियर स्ट्रिकन थे, ये डर से दबे हुए थे, लेकिन जब ये ओपन में आ गए, इकट्ठा हो गए कोर्ट हाउस के आसपास, हजारों की तादाद में ये मौजूद थे, महात्मा गांधी जी के लिए अपना सपोर्ट दिखा रहे थे, इससे ब्रिटिशर्स को ये पता लग गया कि अब इनका डर खत्म होने लग गया है. द ऑफिशियल्स फेल्ट पावरलेस विदाउट गांधीज कोऑपरेशन, ही हेल्प देम रेगुलेट द क्राउड. अब जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स थे उन्हें गांधी जी की मदद चाहिए थी क्योंकि वो इतने बड़े क्राउड को संभाल नहीं पा रहे थे. ही वॉज पोलाइट एंड फ्रेंडली, ही वॉज गिविंग देम कॉन्क्रीट प्रूफ दैट देयर माइट हिदर टू ड्रेडेड एंड अनक्वेश्चन्ड कुड बी चैलेंज्ड बाय इंडियंस. माइट ओवर हियर मींस पावर. गांधी जी बहुत ही पोलाइट और फ्रेंडली थे, उन्होंने ब्रिटिशर्स को बड़े प्यार से ये प्रूफ दिया कि अभी तक तो जितने लोग हैं, जितने इंडियंस हैं, वो तुमसे डरते हैं, तुम्हारे एक्ट पर सवाल नहीं उठाते, लेकिन अब वो तुम्हें चैलेंज कर सकते हैं. जब उन्होंने देखा कि इतने सारे पुअर पेजेंट्स इकट्ठा हुए हैं, गांधी जी को सपोर्ट शो कर रहे हैं और ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट हैं, तो अब ब्रिटिशर्स की पावर का जोर उन पर नहीं चलेगा. द गवर्नमेंट वॉज बैफल्ड. द प्रोसिक्यूटर रिक्वेस्टेड द जज टू पोस्टपोन द ट्रायल. बैफल्ड मीन्स कंफ्यूज्ड. अब गवर्नमेंट कंफ्यूज हो गई थी कि हम क्या करें, इतने सारे लोग हमारे अगेंस्ट हो गए हैं, इतने सारे लोग गांधी जी को सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम कैसे इन्हें मैनेज करेंगे. इसीलिए जो प्रोसिक्यूटर है उसने जज से रिक्वेस्ट की कि गांधी जी के ट्रायल को पोस्टपोन कर दिया जाए, किसी और दिन उनका ट्रायल किया जाए. अपेरेंटली द अथॉरिटीज विश टू कंसल्ट देयर सुपीरियर्स. ऐसा लग रहा था. अपेरेंटली मींस इट सीम्ड, इट अपियर्ड. ऐसा लग रहा था कि जो अथॉरिटीज हैं, जो कोर्ट के ऑफिशियल्स हैं, वो अपने सुपीरियर्स को कंसल्ट करना चाहते हैं, वो उनसे सलाह लेना चाहते हैं कि उन्हें किस तरह से गांधी जी का ट्रायल कंडक्ट करना चाहिए, क्योंकि ऐसा ना हो कि अगर वो गांधी जी को सजा दे देंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे, तो वहां पर क्या होगा, सब लोग उनके अगेंस्ट हो जाएंगे, एक रिवोल्ट हो जाएगा जिसे वो संभाल नहीं पाएंगे. गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले. ही रेड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी. अब गांधी जी ने कहा कि तुम मेरे ट्रायल में इतना डिले क्यों कर रहे हो, ये गलत बात है. उन्होंने इसके खिलाफ प्रोटेस्ट किया और उन्होंने एक स्टेटमेंट भी पढ़ दी कोर्ट में. उन्होंने कहा कि हाँ, मैं गलत हूँ, मैंने गलत काम किया है. उन्होंने प्लीड किया. प्लीड मीन्स टू रिक्वेस्ट. उन्होंने रिक्वेस्ट की कि मैं मानता हूँ कि मैं गलत हूँ. He was involved, he told the court, in a conflict of duties on the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker, on the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. अब गांधी जी ने कोर्ट को कहा कि वो एक कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज में है. कॉन्फ्लिक्ट ऑफ ड्यूटीज मीन्स एक दुविधा में पड़े हुए हैं, एक कंफ्यूजन, एक कॉन्फ्लिक्ट में घिरे हुए हैं. कॉन्फ्लिक्ट क्या है? वो कहते हैं एक हाथ पर तो वो लॉ को तोड़ना नहीं चाहते, वो ये नहीं चाहते कि पेजेंट्स को लगे कि वो लॉ ब्रेकर हैं, वो एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहते, और दूसरी तरफ वो ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करना चाहते हैं. वो चंपारण इसलिए गए थे उन गरीब किसानों की मदद करने के लिए, इसलिए वो कहते कि मैं यहाँ पर सिर्फ ह्यूमैनिटेरियन और नेशनल सर्विस करने के लिए आया हूँ और मैं लॉ तोड़कर एक बुरा एग्जाम्पल नहीं बनना चाहता, इसलिए मैं कंफ्यूज्ड हूँ. He disregarded the order
टू लीव नॉट फॉर वॉन्ट ऑफ रिस्पेक्ट फॉर लॉफुल अथॉरिटी बट इन ओबीडियंस टू द हायर लॉ ऑफ आर बींग द वॉइस ऑफ कॉन्शियंस ही आज द पेनल्टी ड्यू। गांधी जी ने फर्दर कहा कि आपने जो ऑर्डर भेजा था कि तुम तिरहुत डिवीजन छोड़कर चले जाओ, मैंने उस ऑर्डर को डिसरिगार्ड किया, मैंने उस ऑर्डर को मना कर दिया, रिफ्यूज कर दिया, क्योंकि ऐसा नहीं है कि मैं आपके लॉ को रिस्पेक्ट नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे अंदर एक कॉन्शियस है, मेरी जो आवाज है, मेरी जो सोल की आवाज है, कॉन्शियस की आवाज है, वो इससे भी बड़े लॉ को ओबे करने के लिए मुझे फोर्स कर रही है, तो मैं अपनी कॉन्शियस की आवाज को डिसोबे नहीं कर सकता, उसे इग्नोर नहीं कर सकता। उसी की वजह से मैंने आपको मना कर दिया था कि मैं चंपारण छोड़कर नहीं जाऊंगा। और फिर उन्होंने कहा कि अगर मैंने कुछ गलत किया है तो आप मुझे पेनल्टी लगा दीजिए और बता दीजिए कि कितनी पेनल्टी, कितना फाइन मुझे भरना पड़ेगा। द मैजिस्ट्रेट अनाउंस दैट ही वुड प्रोनाउंस सेंटेंस आफ्टर अ 2 आवर रिसेस एंड आस्क्ड गांधी टू फर्निश बेल फॉर दोस 120 मिनट्स। रिसेस इज अ ब्रेक टाइम। अब मैजिस्ट्रेट यानी कि जो कोर्ट में जज बैठा हुआ था, उसने कहा कि 2 घंटे की ब्रेक के बाद वो गांधी जी की सजा सुनाएगा, और अगले 2 घंटे के लिए उसने गांधी जी को कहा कि आपको बेल देनी पड़ेगी। व्हाट इज अ बेल? बेल इज अ सम ऑफ मनी विच यू हैव टू डिपॉजिटेड फॉर टेम्पररी रिलीज ऑफ द एक्यूज पर्सन। अगर कोई एक्यूज है, उसे टेम्पररीली के लिए रिलीज करना है, थोड़ी देर के लिए रिलीज करना है, तो उसके लिए उसे बेल डिपॉजिट करनी पड़ती है, कुछ पैसे डिपॉजिट करने पड़ते हैं एज अ सिक्योरिटी। गांधी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल। गांधी जी ने बेल जमा कराने से मना कर दिया और जज ने बेल के बिना ही उन्हें रिलीज कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. अब जब 2 घंटे की recess के बाद court दोबारा से बैठी, तो जज ने क्या कहा कि वो कुछ दिनों के बाद अपना order देगा। जो गांधी जी की सजा है वो कुछ दिनों और के लिए delay कर दी गई। Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. Liberty means freedom. तो उन्होंने गांधी जी को कहा कि इस दौरान आप फ्री हैं, आप कहीं भी आ जा सकते हैं। राजेंद्र प्रसाद, ब्रिज किशोर बाबू, मौलाना मजहरुल हक एंड सेवरल अदर प्रोमिनेंट लॉयर्स हैड अराइव्ड फ्रॉम बिहार। अब बिहार से यानी कि पटना से बहुत ही बड़े बड़े लॉयर्स वहां पर आ गए मोतिहारी में गांधी जी का सपोर्ट करने के लिए। दे कॉन्फर्ड विद गांधी, व्हाट वुड दे डू इफ ही वाज सेंटेंस्ड टू प्रिजन, गांधी आस्क्ड। कॉन्फर्ड मींस डिस्कस्ड। तो इन सब बड़े बड़े लोगों ने गांधी जी के साथ डिस्कशन की और गांधी जी ने इनसे पूछा कि अगर मुझे प्रिजन भेज दिया जाएगा तो तुम लोग क्या करोगे। व्हाई? द सीनियर लॉयर रिप्लाइड, दे हैड कम टू एडवाइस एंड हेल्प हिम, इफ ही वेंट टू जेल देयर वुड बी नोबडी टू एडवाइस एंड दे वुड गो होम। तो एक सीनियर लॉयर ने गांधी जी को जवाब दिया कि हम तो यहाँ आपकी मदद करने आए हैं, आपको एडवाइस देने के लिए आए हैं, अगर आप जेल चले जाओगे तो यहाँ पे कोई भी नहीं होगा और हम लोग भी अपने घर चले जाएंगे। What about the injustice to the sharecroppers? Gandhi demanded. The lawyers withdrew to consult. गांधी जी ने पूछा, लेकिन ये बेचारे गरीब sharecroppers के साथ जो इनजस्टिस हो रही है उसका तुम लोग क्या करोगे? मैं तो जेल चला गया, तुम लोग वापस घर चले जाओगे, तो इन शेयरक्रॉपर्स की मदद कौन करेगा? अब ये सारे जो बड़े बड़े लॉयर्स थे ये withdrew to consult हो गए, यानी कि withdrew means to go and consult means आपस में डिस्कस करना। अब ये सारे लॉयर्स आपस में इकट्ठा हो गए डिस्कस करने के लिए कि अगर गांधी जी जेल चले गए तो वो लोग क्या करेंगे शेयरक्रॉपर्स की मदद करने के लिए, शेयरक्रॉपर्स को इंसाफ दिलाने के लिए। राजेंद्र प्रसाद हैड रिकॉर्डेड द अपशॉट ऑफ देयर कंसल्टेशंस। दे थॉट अमंगस्ट देमसेल्व्स दैट गांधी वाज अ टोटली अ स्ट्रेंजर एंड येट ही वाज प्रिपेयर्ड टू गो टू प्रिजन फॉर द सेक ऑफ द पेजेंट्स। इफ दे ऑन द अदर हैंड बीइंग नॉट ओनली रेजिडेंट्स ऑफ द एडजॉइनिंग डिस्ट्रिक्ट्स बट ऑल्सो दोज हु क्लेम टू हैव सर्व्ड दीज पेजेंट्स शुड गो होम, it would be shameful desertion. What is upshot? Upshot means the result. And desertion here means to leave someone without help in a difficult situation. अब राजेंद्र प्रसाद जी ने ये रिकॉर्ड किया है
कि उनकी जो लॉयर्स की आपस में कंसल्टेशन यानी कि डिस्कशन हुई थी उसका रिजल्ट क्या था। अब इन लॉयर्स ने यह सोचा कि गांधी जी एक स्ट्रेंजर है, वो बाहर से आए हैं बिहार में, वो बिहार के रहने वाले नहीं है, वो भी इन पुअर पेजेंट्स की मदद करने के लिए, इनके सेक के लिए, इनके कॉज के लिए जेल जाने को तैयार है। ऑन द अदर हैंड ये जो लॉयर्स हैं, ये बिहार के ही रहने वाले हैं, ये चंपारण के पास के डिस्ट्रिक्ट पटना से आए हैं और ये तो पहले कोर्ट में इन पेजेंट्स का केस भी लड़ रहे हैं, लेकिन अब ये क्या कह रहे हैं कि ये वापस अपने घर चले जाएंगे। तो अगर ऐसे ये अपने घर चले जाएंगे शेयर क्रॉपर्स को मुसीबत में छोड़कर, इसका क्या मतलब होगा? ये क्या है? शेमफुल डिजर्शन, शर्मनाक डिजर्शन होगी। मींस ये किसी ऐसे व्यक्ति को बिना मदद किए हुए मुसीबत में छोड़कर चले जाएंगे, जो कि एक शर्मनाक काम होगा। दे अकॉर्डिंगली वेंट बैक टू गांधी एंड टोल्ड हिम दे वर रेडी टू फॉलो हिम इनटू जेल। तो फाइनली इन्होंने डिसाइड किया और गांधी जी से कहा कि अगर गांधी जी जेल चले जाएंगे तो ये सब भी गांधी जी के पीछे पीछे जेल में चले जाएंगे। द बैटल ऑफ चंपारण इज वन, ही एक्सक्लेम्ड। गांधी जी ने उन्हें कहा कि अब हमारा चंपारण का जो बैटल है वो हमने जीत लिया है। तो जब लॉयर्स ने गांधी जी को सपोर्ट शो किया और उन्हें कहा कि हम भी आपके पीछे पीछे जेल चले जाएंगे, दिस मार्क्ड द विक्ट्री ऑफ द बैटल ऑफ चंपारण। Then he took a piece of paper and divided the group into pairs and put down the order in which each pair was to court arrest. Court arrest means आप voluntarily उन्हें कह रहे हैं कि हमें भी arrest कर लीजिए। गांधी जी ने एक पेपर पे लिखा कि जो अलग अलग pairs बना दिए advocates के और उन्हें कहा कि आप इस order में आएंगे और कोर्ट अरेस्ट करवाएंगे, यानी कि अगर गांधी जी को भी जेल में डाल दिया गया तो सब एडवोकेट्स पेयर्स में आकर कोर्ट अरेस्ट करेंगे। सेवरल डेज लेटर गांधी रिसीव्ड अ रिटन कम्युनिकेशन फ्रॉम द मजिस्ट्रेट इन्फॉर्मिंग हिम दैट द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ द प्रोविंस हैड ऑर्डर्ड द केस टू बी ड्रॉप्ड। काफी दिनों बाद गांधी जी को एक रिटन लेटर आई, कम्युनिकेशन आया मजिस्ट्रेट से। मजिस्ट्रेट वो ही जज था उस कोर्ट में जिसने उन्हें बताया कि उस प्रोविंस के लेफ्टिनेंट गवर्नर ने ऑर्डर किया है कि गांधी जी के खिलाफ जो केस है उसे ड्रॉप कर दिया जाए, मींस उसे खत्म कर दिया जाए। सिविल डिसोबीडियंस हैड ट्रायम्फ्ड द फर्स्ट टाइम इन मॉडर्न इंडिया। ट्रायम्फ्ड मींस टू बी विक्टोरियस, जीत जाना। एंड वॉट इज सिविल डिसोबीडियंस? जब लोग इकट्ठा होकर किसी एक पोलिटिकल सिस्टम को डिसोबे करते हैं इन अ पीसफुल मैनर, दैट इज कॉल्ड सिविल डिसोबीडियंस। मीन्स एक जगह में रहने वाले जो आम नागरिक है, कॉमन मैन है, वो इकट्ठा हो जाते हैं, दे गेट टूगेदर एंड दे डिसाइड टू डिसोबे द रूलर बिकॉज द रूलर इज नॉट पासिंग लॉज इन फेवर ऑफ द जनरल पब्लिक। This is called civil disobedience. So गांधी जी कहते हैं कि पहली बार मॉडर्न इंडिया में सिविल और डिसोबीडियंस की जीत हुई थी क्योंकि अथॉरिटीज को ये लगा था कि उन्हें लोगों के अगेंस्ट नहीं जाना बिकॉज लोग इकट्ठा हो गए हैं, लोग वन बन गए हैं, उनमें यूनिटी आ गई है और अगर अब अथॉरिटीज लोगों के अगेंस्ट जाएंगी तो इससे लोगों के बीच में एक रिवोल्ट शुरू हो जाएगा अगेंस्ट द अथॉरिटीज। Gandhi and the lawyers now proceeded to conduct a far-flung inquiry into the grievances of the farmers. अब जब गांधी जी फ्री है, कोई केस नहीं है और सारे वकील भी उनके साथ है, तो उन्होंने मिलके चंपारण के कोने कोने से जाकर इंफॉर्मेशन ली, इंक्वायरी की और ये जाना कि फार्मर्स की grievances, उनकी complaints, उनके दुख क्या है। फार फ्लंग इंक्वायरी मीन्स बहुत ही डिटेल में, हर एक दूर दूर तक जाकर सब लोगों से जांच पड़ताल करना। डिपोजिशंस बाय अबाउट 10,000 पीजेंट्स वर रिटन डाउन एंड नोट्स मेड ऑन अदर एविडेंस। अब कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट 10,000 पीजेंट्स के इंटरव्यू ली गई, उनसे पूछताछ की गई कि उनकी प्रॉब्लम्स क्या है, इन सब प्रॉब्लम्स को लिखा गया और भी जो एविडेंस कलेक्ट हुआ उस सबको रिकॉर्ड किया गया, सब कुछ राइट डाउन किया गया, लिखा गया।
डॉक्यूमेंट्स वर कलेक्टेड, अलग अलग जो एविडेंसेस थी इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट्स उन्हें भी कलेक्ट किया गया. द होल एरिया थ्रॉब्ड विद द एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स एंड द वेहिमेंट प्रोटेस्ट ऑफ द लैंडलॉर्ड्स. जितने भी डॉक्यूमेंट्स थे जिससे एविडेंस मिल सकती थी अबाउट व्हाट वाज हैपनिंग विद द पीजेंट्स, वो डॉक्यूमेंट्स भी इकट्ठे किए गए. थ्रॉप्ड हियर मींस वाइब्रेटेड विद एक्टिविटी, इतनी ज्यादा एक्टिविटी थी, इतनी ज्यादा वाइब्रेशंस थी एक्टिविटी की उस एरिया में. एंड वेहिमेंट मींस इंटेंस, वेरी स्ट्रॉन्ग. अब वो जो पूरा एरिया है चंपारण का, इट वॉज फुल ऑफ एक्टिविटी ऑफ द इन्वेस्टिगेटर्स, दैट इज द टीम ऑफ गांधी जी एंड द लॉयर्स, जो कि इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, जांच पड़ताल कर रहे थे कि पेजेंट्स को किस किस तरह की प्रॉब्लम है. और साथ ही साथ वहां पे एक और एक्टिविटी थी, वो क्या थी, जितने भी लैंडलॉर्ड्स थे वो बहुत ही इंटेंस प्रोटेस्ट कर रहे थे अगेंस्ट गांधी जी एंड द लॉयर्स. बिकॉज द लैंडलॉर्ड्स डिड नॉट वॉन्ट के वो लोग पेजेंट्स की मदद करें. सो विद दिस वी कम टू एन एंड ऑफ द सेकेंड पार्ट ऑफ दिस चैप्टर. वील कॉन्टिन्यू द स्टोरी इन द नेक्स्ट पार्ट. थैंक यू.